हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को केसकाल घाटी की सैर कराती हूँ। फ्रेंड, ये जगदलपुर और रायपुर के बीच में स्थित है और ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। फ्रेंड, इसको तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, ये घाटी फ्रेंड कम से कम 107 साल पुरानी घाटी है और इसमें लगभग 10 से 11 बहुत ही गहरे मोड़ हैं, बने हुए हैं फ्रेंड, जो कि बहुत ही डेंजर है। ये रायपुर के बस्तर संवाद के 7 जिलों को एक दूसरे से जोड़ता है। फ्रेंड, दक्षिण भारत को भी ये जोड़ता है। यहाँ पर रोजाना फ्रेंड हजारों गाड़ियाँ गुजरती है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये घाटी कहाँ से प्रारंभ होती है। कांकेर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर ये केसकाल घाटी स्थित है फ्रेंड। और घाटी के ऊपर एक तेलिन माता का मंदिर है, जो कि यहाँ से जो भी गुजरता है फ्रेंड वहाँ जरूर दर्शन करता है। तो चलिए मैं वहाँ का भी आपको दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ से फ्रेंड घाटी प्रारंभ होती है। तो चलिए आप लोग भी घाटी देखिए और कितनी खूबसूरत बनी है। ये पहाड़ों से कट कर बनी हुई है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड, बट डर भी बहुत है। यहाँ जो भी आए फ्रेंड तो थोड़ा संभल कर इस घाटी को पार करें, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आपको मैं शेयर कराती हूँ, आप भी इंजॉय करिए फ्रेंड। और ये मैंने गाड़ी में बैठकर ही शूट किया था और फिर कभी अगर मैं गई तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे व्यू में दिखाऊंगी फ्रेंड। अभी तो फ़िलहाल मैं प्राइवेट गाड़ी से गई थी, इसलिए मैं रुक के नहीं दिखा पाई हूँ फ्रेंड। तो आप भी इंजॉय करिए और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये घाटी देखने में। और जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी फ्रेंड तो आप लोग के साथ ज़रूर अच्छा व्यू शेयर करूँगी। और यहाँ जब भी आप छत्तीसगढ़ रायपुर घूमने आए तो एक बार जगदलपुर ज़रूर घूमिएगा फ्रेंड। और यहाँ की बहुत ही नेचुरल खूबसूरती है और यहाँ का वातावरण वाकई बहुत ही सुंदर रहता है फ्रेंड। आपको गर्मी की उतनी एहसास ही नहीं होगा और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं फ्रेंड। मैं तो फ़िलहाल नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी फ्रेंड तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी वहाँ की एक खूबसूरती और वहाँ के जितने भी टूरिज़्म स्थान हैं वहाँ पे मैं आप लोग को लेकर चलूँगी फ्रेंड। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक आप केसकाल घाटी का इंजॉय करिए और फुल वीडियो देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लगती है फ्रेंड।
और ये देखिए फ्रेंड, ये तेली माता का मंदिर है जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो भी आता है इनका दर्शन जरूर करता है। तो बोलिए जय माता दी। तो ये देखिए मंदिर, अंदर से तो नहीं दिखा पाई फ्रेंड, बाहर से ही देखिए, बहुत ही सुंदर है मंदिर ये भी। तो जो भी यहाँ पर आता है इनका दर्शन करके ही यहाँ से घाटी से नीचे की ओर जाते हैं फ्रेंड। और ये घाटी यहाँ पर समाप्त हो जा रही है फ्रेंड। और यहाँ की खूबसूरती वाकई देखने लायक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है और मौसम भी यहाँ पर एनी टाइम बहुत ही खूबसूरत रहती है फ्रेंड। तो जब भी आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर छत्तीसगढ़ और बस्तर ज़िला में ज़रूर वहाँ पर घूमने जाइए फ्रेंड। और ये देखिए यहाँ बहुत ही अधिक जंगल है जिसके कारण वातावरण अच्छा रहता है फ्रेंड, और जब भी गर्मियों के मौसम में यहाँ घूमने लायक है फ्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए जंगल कितना है, और जंगल की वजह से ही यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर
लगता है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ का वातावरण वैसे भी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही खूबसूरत रहता है फ्रेंड। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ छत्तीसगढ़ घूमने के लिए, तो आप एक बार ज़रूर जगदलपुर बस्तर ज़िला में जाइए, वहाँ घूमने लायक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्थान है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।